गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीएनसी फीड ड्राइव सिस्टम के बारे में लर्न किया था। उसी के जो पार्ट्स है, उसी के कुछ पार्ट्स है, उस पार्ट्स के रिमेनिंग पार्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज डीसी सर्वो मोटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द सीएनसी फीड ड्राइव सिस्टम का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डीसी सर्वो मोटर। डीसी मोटर्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्राइव इन द बिगिनिंग फॉर द सीएनसी मशीनिंग टूल। मतलब जब सीएनसी मशीन का इन्वेंशन हुआ था, तब इन द बिगिनिंग ऑफ द सीएनसी द मोस्ट वाइडली ड्राइव इज द डीसी मोटर्स। दैट डीसी मोटर्स आर द वाइडली यूज्ड when the beginning of the CNC motor has been started. The motor consists with a armature winding in a stator. उसमें क्या होता है, मतलब एक स्टेटर जैसा पार्ट होता है। मान लो कि ये उसका स्टेटर का पार्ट है, ऐसे सर्कुलर, ओके। और उसके अंदर क्या होती है, वाइंडिंग होती है। इस प्रकार की आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हो, इस प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक्चुअली डीसी मोटर एंड एसी मोटर, ये दोनों पार्ट्स आप लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। अगर कुछ आप लोगों के पास नोटबुक वगैरह है तो उसको आप लोग एक बार फिर से देख लो, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं ये डीसी मोटर, डीसी सर्वो मोटर या फिर एसी सर्वो मोटर सिर्फ सीएनसी के रिगार्डिंग बताऊंगा। अभी उसके कंस्ट्रक्शन में अगर आपको कुछ डाउट होता है, इतना डिटेल में आपको सीएनसी में नहीं पूछेगा, सीएनसी में मेनली सीएनसी के बारे में ही पूछेगा। लेकिन मैं ये क्लास को सीएनसी का जो अपना सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के रिलेशन में पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सारे पार्ट्स को आप लोगों को कंबाइन करके वन बाय वन एक एक लेक्चर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है, नोट्स भी बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो डीसी मोटर होती है, वो डीसी मोटर में क्या होता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है। मतलब इन शॉर्ट सिंपली याद रखो कि उसमें एक वाइंडिंग होता है इन अ स्टेटर। जो भी डीसी मोटर का स्टेटर वाला पार्ट है उसमें एक वाइंडिंग होती है। द डीसी मोटर रोटेट्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन ऑफ एन आर्मेचर वाइंडिंग विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो डीसी मोटर क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट टाइप की मोटर है। दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेटिक टाइप, परमानेंट मैग्नेटिक टाइप की मोटर है। तो इसीलिए ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका, डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रोटेशन ऑफ एन आर्मेचर वाइंडिंग, रोटेशन ऑफ एन आर्मेचर वाइंडिंग विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो भी रोटेशन होगा वो विद इन द मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑल द रोटेशंस आर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी बेसिस के ऊपर हमारी जो सर्वो मोटर है वो सर्वो मशीन या फिर सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर, इस प्रिंसिपल के ऊपर क्या होती है, वर्क होती है। दैट मीन्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड द डीसी मोटर आर्मेचर वाइंडिंग इज रोटेटेड। द आर्मेचर एंड द फील्ड कॉइल आर वाउंड और द आयरन कोर्स। या तो ये कॉइल्स क्या होती है, वाउंड होती है। वाउंड का मतलब आप लोगों को समझ में आता है, देखो हमारे पास रील होती है, देखो रील या फिर पतंग उड़ाते हैं तो वो हमारे पास रील होती है, तो उस रील को हम ऐसे वाउंड अप करके रखते हैं। तो ये जो कॉइल होती है ना, इस कॉइल को भी या तो हम वाउंड अप करके रखेंगे या फिर आयरन कोर्स में रखेंगे। कोर्स का मतलब क्या होता है, उसके मिडिल पार्ट में रखेंगे डीसी मोटर के। द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड टू द आर्मेचर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। अभी जब हमको डीसी मोटर ऑन करनी है तब हम क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल पावर है उस इलेक्ट्रिकल पावर को ऑन करेंगे टू द आर्मेचर, और उसका एक कनेक्शन किसको देंगे, आर्मेचर को प्रोवाइड करेंगे, बाय विच आर्मेचर रोटेट्स। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे हमने उसको इलेक्ट्रिकल पावर का सप्लाई दे दिया तो वो आर्मेचर क्या हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इंटू द मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव द कनेक्टेड शाफ्ट। तो इससे क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जेशन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, उसका कन्वर्जेशन मैकेनिकल में एनर्जी में हो जाएगा। एंड ड्यू टू द
मैकेनिकल एनर्जी, जो भी ड्राइव हमको चलानी है, जिस भी स्लाइड को हमको मूवमेंट करनी है, तो उस स्लाइड की मूवमेंट या उस शाफ्ट की मूवमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा सिंपल डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। सिंपली क्या करते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली वी आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल पावर टू द आर्मेचर। आर्मेचर का एक जो एंड होगा वो किससे कनेक्ट होगा, शाफ्ट को कनेक्ट होगा। तो जैसे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उस तरीके से वो शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। द वोल्टेज एंड द स्पीड ऑफ द सीएनसी मोटर कैन बी वेरीड स्मूथली एंड इजीली रेगुलेटेड। द वोल्टेज एंड द स्पीड ऑफ द सीएनसी मोटर, तो जिस तरीके का हमारा प्रोग्राम है ना, तो प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ द सीएनसी मोटर और वोल्टेज भी हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। दैट कैन बी इजीली वेरीड, उसको हम स्मूथली वेरीड भी कर सकते हैं एंड इजीली रेगुलेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डीसी सर्वो मोटर। अगर हमको वोल्टेज थोड़ा सा कम ज्यादा करना है तो वो भी हम इजीली एंड स्मूथली अचीव कर सकते हैं। दीज आर द हेवी ड्यूटी मोटर्स एंड प्रोवाइडेड विद द सेल्फ वेंटिलेशन एंड द ब्रेक सिस्टम टू अवॉइड गेट हॉट एंड डैमेज। देखो ये सबसे हेवी मोटर्स है, हेवी ड्यूटी मोटर्स, दीज आर कॉल्ड एज अ हेवी ड्यूटी मोटर्स, प्रोवाइडेड विद द सेल्फ वेंटिलेशन एंड द ब्रेक सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये जो डीसी सर्वो मोटर है इसमें सेल्फ वेंटिलेशन होता है। ओके अभी सेल्फ वेंटिलेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि देखो अगर मोटर कंटिन्यूअसली रन होती है ना तो इट गेट टू मच हीट। आप लोगों को भी पता है, देखो सिंपली हम अगर पानी की मोटर लेते हैं ना, मतलब जो हमारे सबके घर में होती है जनरली पानी भरने की जो मोटर होती है, मतलब ऊपर वाली टंकी में अगर पानी भरना है तो नीचे से हम मोटर लगाते हैं, तो वो मोटर को आप एक घंटा कंटिन्यूअसली ऑन रखो, इट विल गेट हीटेड, वो गर्म होने लगती है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, अगर मान लो कि हमने इग्नोर किया, कितना भी हीट होने दिया, तो उसकी जो कॉइल है ना वो कॉइल जल जाती है। बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस रह चुका होगा। हम कभी कभी देखो त्याला मराठी मध्ये आपण म्हणतो बघा की मोटर खराब झाली, मोटर जळाली का जळाली का, तर मोटर जो है वो क्यों जलती है, बिकॉज ऑफ द हीट जनरेशन। वो हीट ज्यादा जनरेट होती है, ड्यू टू द हीट जनरेशन वो क्या होती है, कभी कभी डैमेज भी हो सकती है। तो इसीलिए डीसी मोटर में हमने सेल्फ वेंटिलेशन की सुविधा रखी है। सेल्फ वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, वो खुद को वेंटिलेट करेगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाने देगी। एंड सेकंड वन इज द ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम किस लिए होता है, अगर किसी मशीन के पार्ट्स को किसी मशीन के पार्ट्स के साथ अगर कुछ मतलब डैमेज होने वाला है, मान लो कि अभी एंडिंग पॉइंट आ चुका है, तो एंडिंग पॉइंट होने के बाद अगर शाफ्ट है, शाफ्ट यहां तक ही मूव होगा, उसके आगे अगर जाएगा तो क्या होगा, मशीन का जो पार्ट है मशीन के पार्ट्स को डैमेज कर देगा। तो इसीलिए पहले क्या रखेंगे हम, उसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है कि अगर डैमेज ना हो या फिर उसको स्ट्राइक ना करे, इसके लिए हम क्या कर सकते, इसमें ब्रेक की भी सुविधा इस डीसी सर्वो मोटर में होती है, राइट। और ये जो डीसी मोटर की खासियत है, इसकी जो वाइंडिंग है ना वो तुरंत गर्म नहीं होती है। या मोटर्स ज्या असतात या मोटर्सचं वाइंडिंग लवकर गरम नाही होत, तरी सुद्धा फिर भी अगर हमको और ज्यादा ठंडा रखना है तो हम किसका यूज करेंगे, इसमें सेल्फ वेंटिलेशन का यूज करेंगे। मतलब इसका जो डिजाइन है उसका डिजाइन हमने इस तरीके से करके रखा है कि सेल्फ वेंटिलेशन की वजह से उसका जो भी टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए। मतलब नेहमी या ज्या मशीन्स आहेत या मशीन्सला नेहमी थंड ठेवण्यासाठी आपल्याला कशाचा यूज करावा लागतो, आपण सेल्फ वेंटिलेशनचा यूज करतो। आणि सेल्फ वेंटिलेशनचा यूज करून आपण काय करतो, त्याच्यामध्ये त्याच्या ज्या कॉइल्स आहेत किंवा त्याची जी वाइंडिंग आहे, उसकी जो वाइंडिंग आहे उसको हम कम से कम टेम्परेचर पे मेंटेन रखेंगे। ओके अभी ये जो मोटर्स है, या मोटर्स अगदी कमीत कमी किंवा जास्तीत जास्त हॉर्स पॉवर मध्ये उपलब्ध असतात। अभी ये जो डीसी मोटर्स है ना, ये डीसी मोटर कम से कम हॉर्स पॉवर, देखो
कोई भी मशीन, कोई भी मोटर अगर आप परचेस करने जाओगे ना मार्केट में, चाहे वो हमारे पानी के पंप की मोटर क्यों ना हो, तो वो पहले पूछता है कि कितने एचपी की होनी चाहिए। कितने एचपी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, राइट। तो ये जो सिस्टम है, ये जो मोटर्स है, कम से कम एचपी में भी अवेलेबल है और मैक्सिमम एचपी में भी ये मोटर्स अवेलेबल है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डीसी सर्वो मोटर। तो इतनी सारी चीजें, ये दो चार जो पॉइंट्स है वो आप डीसी सर्वो मोटर्स के रिगार्डिंग याद रखो। दीज आर अवेलेबल विथ अ मिनिमम एंड मैक्सिमम हॉर्स पावर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीएनसी मशीन टूल। दैट पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये मिनिमम और मैक्सिमम हॉर्स पावर में भी अवेलेबल है। दीज आर कैरेक्टराइज्ड विथ हाई टॉर्क, इसमें टॉर्क ज्यादा मिलता है, पावर भी ज्यादा मिलता है, स्मूथ स्पीड रेगुलेशन। अगर आपको स्पीड रेगुलेट करनी है तो आप इसका यूज करके कम से कम स्मूथ स्पीड रेगुलेशन भी कर सकते हैं, इफिशियंसी ज्यादा होती है एंड कंट्रोलिंग भी बहुत आसान तरीके से हो सकती है। बाकी कोई पॉइंट आप लोग याद रखो ना रखो, लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इसको अच्छी तरीके से याद रखो, बिकॉज दीज आर द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीसी सर्वो मोटर। डीसी सर्वो मोटर में हमको टॉर्क की वैल्यू ज्यादा मिलती है, पावर भी ज्यादा होता है, इफिशियंसी भी ज्यादा होती है और उसको हम इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एसी सर्वो मोटर। द थ्री फेजेस एसी सर्वो मोटर्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन द फास्ट रिस्पॉन्स, सो दीज आर बिकम मोर पॉपुलर फॉर टूडे सीएनसी मशीन टूल टू ड्राइव द स्लाइड्स। देखो, जब हम डीसी सर्वो मोटर्स पढ़ रहे थे तो डीसी सर्वो मोटर्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, जब सीएनसी का इन्वेंशन हुआ था तब हम मोस्ट वाइडली किसका यूज करते थे, डीसी सर्वो मोटर का यूज करते थे। लेकिन यहां पे देखो, मोर पॉपुलर फॉर टूडे, विच वन इज द एसी सर्वो मोटर आर द बिकम मोर पॉपुलर फॉर द टूडे सीएनसी मशीन टूल टू ड्राइव द स्लाइड्स। स्लाइड्स को ड्राइव करने के लिए आज के जमाने में, मतलब इन द प्रेजेंट एज, हम सबसे ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं, एसी सर्वो मोटर्स का यूज कर रहे हैं, राइट। ये जो सीएनसी मशीन है, इन सीएनसी मशीन में थ्री फेज एसी सर्वो मोटर्स का आज, मतलब इन द टूडेज जनरेशन, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टू ड्राइव द स्लाइड्स। मतलब इनिशियली जब सर्वो मोटर, सॉरी, जब इनिशियली सीएनसी मशीन का इन्वेंशन हुआ था तब हम किसका यूज करते थे, डीसी सर्वो मोटर्स का। लेकिन प्रेजेंटली ड्यू टू द थ्री फेज एसी सर्वो मोटर, इसका यूज हम सबसे ज्यादा परसेंटेज में करते हैं। मतलब इन द प्रेजेंट एज टू ड्राइव द स्लाइड्स वी हैव टू यूज द एसी सर्वो मोटर इन द सीएनसी मशीन्स। नाउ सीएनसी मशीन टूल मैन्युफैक्चरर प्रेफर दीज सर्वो मोटर देन द अदर टाइप्स। अभी जितने भी सीएनसी टूल मैन्युफैक्चरर है, मतलब जितनी भी कंपनीज अभी सीएनसी मशीन्स बनाती है ना, उन सभी में या वो सभी मैन्युफैक्चरर अभी सर्वो मोटर्स, मतलब एसी टाइप ऑफ द सर्वो मोटर्स का रेफर करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं, एसी सर्वो मोटर से देन एनी अदर टाइप। मतलब कोई भी अदर मशीन यूज करने से अच्छा वो किसको रेफरेंस करेंगे या फिर किसको प्रेफर करेंगे, एसी सर्वो मोटर को प्रेफर करेंगे। These are in compact design. इनका जो डिजाइनिंग है ना, वो डिजाइन एकदम कॉम्पैक्ट होता है, मतलब एकदम सिंपल तरीके का होता है। They have the constant acceleration and deacceleration torque. मतलब यहाँ पे जो acceleration की वैल्यू है, वो acceleration की वैल्यू हम constant भी रख सकते हैं। अगर आपको उसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो, और अगर आपको कम करना है तो आप उसको कम भी कर सकते हो। किसकी वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू। मतलब टॉर्क को आप कांस्टेंट भी रख सकते हो, अगर आपको टॉर्क को बढ़ाना है तो आप टॉर्क बढ़ा भी सकते हो। मान लो कि कहीं पे मशीनिंग बहुत हार्ड मटेरियल का चल रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सर्वो मोटर को हमको फास्ट रोटेशन देना पड़ता है। सो इन सच केसेस वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड, और हमको टॉर्क की वैल्यू क्या करनी पड़ती है, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है। तो अगर आप एसी सर्वो मोटर का यूज करोगे तो आप इजीली उस टॉर्क की वैल्यू बढ़ा सकते हो, अगर आपको टॉर्क की वैल्यू कम करनी है तो आप उसको कम भी कर सकते हो।
These motors are designed in lightweight, self-ventilated also. देखो डीसी मोटर भी सेल्फ वेंटिलेटेड थी, एसी सर्वो मोटर इज ऑल्सो बिकम द सेल्फ वेंटिलेटेड, बट डीसी मोटर्स आर हेवीली कंस्ट्रक्शन. डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे था, बहुत हेवी था, बट एसी सर्वो मोटर्स आर डिजाइन इन अ लाइट वेट. इनका जो वेट होता है वो वेट बहुत लाइट वेट होता है. दे आर प्रोवाइडेड विथ इंटीग्रेटेड होल्डिंग ब्रेक्स टू अवॉइड द डैमेज. जिस प्रकार की ब्रेकिंग सिस्टम डीसी सर्वो मोटर में थी ना, तो उसी प्रकार की यहां पे किस ब्रेक का यूज करते हैं हम, इंटीग्रेटेड होल्डिंग ब्रेक, राइट. मतलब अगर मराठी में याला जर मराठी मध्ये जर सांगायचं जर झालं, तर या ज्या मशीन्स आहेत त्या स्वयं थंड राहणाऱ्या मोटर्स असून धडक बसू नये म्हणून आणि डॅमेज होऊ नये म्हणून इंटीग्रेटेड होल्डिंग ब्रेक यांच्यामध्ये बसवलेले असतात. ओके, कुठेही धडक होणे किंवा कहीं पे भी डैमेज नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी गलती से स्ट्राइक नहीं होना चाहिए. स्ट्राइक का मतलब वो वाला स्ट्राइक नहीं है, यहाँ पे स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मशीन का एक पार्ट दूसरे पार्ट को स्ट्राइक हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मशीन डैमेज भी हो सकती है. सो इन सच केसेस यहाँ पे कौन से ब्रेक लगाए है, दैट इज इंटीग्रेटेड होल्डिंग ब्रेक का यहाँ पे यूज किया है. दे हैव हाई पावर एंड रिलायबिलिटी. इनकी जो पावर है, पावर भी ज्यादा होती है और उनकी जो रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, उनका जो स्ट्रांगनेस होता है वो स्ट्रांगनेस भी एज कंपेयर टू द डीसी सर्वो मोटर से ज्यादा होती है. दे हैव निग्लिजिबल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स. उनका जो मेंटेनेंस है ना, मेंटेनेंस एकदम कम होता है. मतलब अगर मेंटेनेंस का चार्ज अगर देखते हो तो मेंटेनेंस का चार्ज एकदम निग्लिजिबल होगा. ड्यू टू द सेवरल एडवांटेजेस ऑफ द एसी सर्वो मोटर, they are increasingly more popular in the CNC machine tool. Now, whatever the advantages we have seen, हमने जितने भी advantages देखे हैं ना, उन सभी advantages की वजह से ये जो AC servo motor है, ये AC servo motor को हम more popular in the CNC machines. तो इसीलिए AC servo motors को हम ज़्यादा से ज़्यादा CNC में use करते हैं. Okay. So that's why, due to these advantages, due to these are the several advantages. The AC servo motors are more popular in the CNC machine tools. अभी next point है spindle drive motors. अभी machine का जो spindle है, मान लो कि कोई भी CNC machine है, तो उसका जो spindle है, उस spindle को कैसे drive करेंगे, इसके regarding बात करेंगे. These are the variables spindle speed drive motors. Built with rigid structural design. मतलब ये जो variable spindle speed drive motors, इसको अच्छी तरीके से समझ लो. इसको हम कभी कभी stepping motors भी बोलते हैं, तो इसकी अच्छी तरीके से याद रखो. These are the variable spindle speed drive motor. देखो जो spindle होता है, वो spindle की speed हमको पता है कि हम उसकी speed को क्या करते हैं, variable करते हैं. मतलब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसको हम चेंज करते हैं. तो ऐसे ड्राइव मोटर्स जो बिल्ट होते हैं रिजिड स्ट्रक्चरल डिजाइन, उनका जो डिजाइन होता है ना, वो डिजाइन एकदम स्ट्रक्चरल रिजिड डिजाइन होता है. मतलब एकदम रिजिड का मतलब आप लोग समझ लो कि एकदम स्ट्रांग डिजाइन होता है उसका. उसको एकदम हम स्ट्रांग तरीके से क्या करते हैं, डिजाइन करके रखते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ. ये इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस दैट इज इंपॉर्टेंट. दीज ड्राइव मोटर्स मस्ट बी कंट्रोलेबल ओवर अ वाइड रेंज ऑफ द पावर एंड स्पीड. तो ये जो ड्राइव मोटर्स है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ओवर अ वाइड रेंज ऑफ द पावर एंड स्पीड. मतलब कम से कम 50 RPM से लेके मैक्सिमम 10,000 RPM, इतनी रेंज आप उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं. दैट इज द मोस्ट कंट्रोलेबल ओवर द वाइड रेंज. वाइड रेंज का मतलब क्या होता है, उसमें हम मिनिमम वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू भी उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट. यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि दीज मोटर्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ द पावर सप्लाई एज वेल एज द स्पीड. पावर सप्लाई भी इसमें हम कम से कम पावर सप्लाई भी प्रोवाइड कर सकते हैं और मैक्सिमम पावर सप्लाई भी
कर सकते हो। वो डिपेंड करता है वो मोटर कितने एचपी की है। एचपी का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर। मान लो कि मोटर एक पर्टिकुलर एचपी की है तो उसके रिगार्डिंग उसको जितना पावर लगेगा उतना पावर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अ कॉन्स्टेंट पावर शुड बी अवेलेबल ओवर अ लार्ज स्पीड रेंज। अ कॉन्स्टेंट पावर शुड बी अवेलेबल ओवर अ लार्ज स्पीड रेंज। मान लो कि आपको बहुत टाइम से 10,000 आरपीएम के ऊपर उस मोटर को रन करना है तो आप इसमें कॉन्स्टेंट पावर का भी सप्लाई कर सकते हो। आपको पावर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू रिक्वायर अ लार्ज स्पीड रेंज एज पॉसिबल सो दीज आर डिसिग्नेटेड टू गिव द कॉन्स्टेंट पावर ओवर अ वाइड रेंज। तो इसीलिए इन मोटर्स की खासियत यही है। सो दीज आर डिसिग्नेटेड, मतलब देखो एक ब्रांड होता है। देखो हम सब लोगों को पता है कि हम जब कपड़े लेने जाते हैं तो ब्रांड देख के परचेस करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार इस मोटर की सबसे बड़ी खासियत या फिर ये मोटर ब्रांड बनने का एक ही रीजन है, कितना भी ज्यादा वाइड रेंज क्यों ना हो फिर भी ये जो पावर सप्लाई है ना वो पावर सप्लाई गिव अ कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई। ये मोटर क्या प्रोवाइड करती है? कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई को प्रोवाइड करती है। द स्पिंडल इज रोटेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द रोटर शाफ्ट और इनडायरेक्टली बाय द टूल हेड बेल्ट और समटाइम्स टू स्टेज गियर ट्रांसमिशन। अभी ये जो स्पिंडल का रोटेशन है, ये स्पिंडल का रोटेशन बाय यूजिंग स्पिंडल ड्राइव मोटर्स हम तीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्रॉम द रोटर शाफ्ट, मतलब डायरेक्टली रोटर का शाफ्ट स्पिंडल के शाफ्ट से कनेक्ट करो और डायरेक्टली स्पिंडल को घुमा दो। सेकेंड वन इज द इनडायरेक्टली बाय द टूल हेड, मतलब क्या करो, पहले मोटर का स्पिंडल टूल हेड के बेल्ट के शाफ्ट को कनेक्ट करो, देन स्पिंडल को रोटेट करो। एंड थर्ड वन इज द स्टेज गियर ट्रांसमिशन, टू स्टेज गियर ट्रांसमिशन कर दो, मतलब बाय यूजिंग द गियर जो मोटर का शाफ्ट है वो स्पिंडल के शाफ्ट को कनेक्ट करो और बाद में आप उसको स्पिंडल को रोटेट कर सकते हो। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट मेथड्स और दीज आर द थ्री डिफरेंट टेक्निक्स बाय विच we can rotate the spindle of the CNC machine. There are two types of the spindle motors used in the CNC machines. और यहाँ पे जो spindle motors है ना, वो spindle motors के mainly दो type से हम उसका use करते हैं। There are the two types. A DC variable spindle speed drives and AC variable spindle speed drives. So these are the two different types of the spindle motors that we can use in the CNC machine tool. So first क्या है, DC variable है और दूसरा कौन सा है, AC variable spindle speed drives. इन दोनों में से किसी भी system का use कर सकते हैं हम for the driving the spindles. At the beginning of the CNC machine, DC spindle drives were widely used. ये बात तो मैंने already बता चुका हूँ आप लोगों को, जो DC का जो concept है ना, जब एनसी मशीन की स्टार्टिंग हुई थी या फिर जब सीएनसी मशीन की स्टार्टिंग हुई थी ना, तब हम डीसी मोटर्स का सबसे ज्यादा यूज करने लगे थे। लेकिन इन द प्रेजेंट एज हम सबसे ज्यादा अभी किसका यूज करते हैं, एसी सर्वो मोटर्स का यूज करते हैं। दीज आर कॉम्पैक्ट डिजाइन अलोइंग द सफिशियंट ओवरलेड एंड द रिजिड टॉर्क्स। ये जो डीसी स्पिंडल ड्राइव मोटर्स है ना, इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो एकदम कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है, मतलब सिंपल डिजाइन होता है, अलोइंग द सफिशियंट ओवरलोड एंड द रिजिड टॉर्क। सफिशियंट ओवरलोड का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी वो जो मोटर होती है कभी कभी ज्यादा लोड लेती है, तो अगर ज्यादा भी लोड होती है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है डीसी स्पिंडल ड्राइव मोटर्स को। एंड रिजिड टॉर्क, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर भी बहुत रिजिड होता है। These are with large dimension and a high weight. इनके dimensions भी बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब अगर आप DC slide servo motors का use करोगे तो वो क्या होगा, उसका dimensions बहुत heavy dimensions होगा, मतलब dimensions बड़े होंगे, उसका construction थोड़ा सा heavy होने की वजह से उसके dimensions ज्यादा होते हैं। लेकिन today's ये कब use करते थे हम, DC spindle drives motor का use कब करते थे, जब CNC machine का नया नया invention हुआ था तब। लेकिन अभी टुडेज एसी स्पिंडल ड्राइव्स इंडक्शन मोटर आर प्रेफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। जितने भी सीएनसी मशीन्स बनाते हैं वो सभी लोग अभी फिलहाल किसको रेफर करते हैं,
एसी स्पिंडल ड्राइव इंडक्शन मोटर्स को सबसे ज्यादा रेफर करते हैं, बिकॉज दीज आर मोर रिलायबल एंड फ्री ऑफ ब्रशेस एंड अदर वेयरिंग पार्ट्स। उनमें एडवांटेजेस क्या है, एक तो मोर रिलायबल है मतलब लाइफ बहुत ज्यादा होती है, फ्री ऑफ द ब्रशेस, ज्यादा ब्रशेस नहीं होते हैं, एंड थर्ड अदर वेयरिंग पार्ट्स भी इसमें ज्यादा नहीं होते हैं। दीज आर बिल्ट इन द स्मॉल कॉम्पैक्ट डिजाइन विथ सेल्फ कूलिंग सिस्टम। दीज आर द स्मॉल कॉम्पैक्ट डिजाइन। अगर आप डीसी मोटर में देखते हो तो दे आर द लार्ज डायमेंशन, उसका जो डिजाइन भी होता है वो डिजाइन भी बहुत हेवी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एसी स्पिंडल ड्राइव इंडक्शन मोटर्स की बात करते हो तो ये क्या होता है, स्मॉल कॉम्पैक्ट इन डिजाइन, मतलब साइज में बहुत छोटे होते हैं और उनमें सेल्फ कूलिंग सिस्टम होती है। सेल्फ कूलिंग सिस्टम होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो भी वाइंडिंग है ना वो वाइंडिंग ज्यादा अच्छी तरीके से गर्म नहीं होगी। द ड्राइव प्रोवाइड्स बोथ लो एंड हाई स्पीड विथ स्टेबल एंड स्मूथ विदाउट एनी वाइब्रेशन एंड नॉइस। मतलब ये ड्राइव क्या करता है, अगर आपको कम स्पीड चाहिए तो कम भी स्पीड मिलेगी, इफ यू रिक्वायर हाई स्पीड तो आपको हाई स्पीड भी मिलेगी, विथ स्टेबल एंड स्मूथ मतलब विदाउट एनी वाइब्रेशन एंड नॉइस, आपको कम से कम भी स्पीड मिल सकती है और मैक्सिमम भी स्पीड बाय यूजिंग दिस ड्राइव मिल सकती है। तो अभी नेक्स्ट सीएनसी फील्ड ड्राइव सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये पार्ट है, दैट इज रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड बॉक्स नट असेंबली। रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू मतलब इसमें एक स्क्रू भी होता है एंड इसमें एक बॉक्स नट भी होता है, इन दोनों की असेंबली का यूज करते हैं हम। इसको अच्छी तरीके से समझ लो, मैंने बोला है आपको रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड बॉक्स नट असेंबली, मतलब इसमें एक बॉल स्क्रू भी होता है, एक स्क्रू भी होता है और दूसरा एक बॉक्स नट भी होता है, इन दोनों की असेंबली करके हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, दैट इज रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड द बॉक्स नट असेंबली। द रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू थ्रेड्स आर डिजाइन लाइक अ सेमी सर्कुलर शेप्ड हेलिकल ग्रूव्स। सेमी सर्कुलर शेप्ड हेलिकल ग्रूव्स का मतलब क्या होता है, ये जो बॉल्स है ना, ये स्क्रू बॉल्स को हम कुछ इस प्रकार से डिजाइन करते हैं, देखो ऐसे, जो दूसरा जो बॉल होगा वो इसमें होगा ऐसे, जो थर्ड होगा वो ऐसे होगा, जो फोर्थ होगा वो ऐसे होगा, ये ऐसी एक लिंक बनती है टोटल ऐसी, ओके। सो सेमी सर्कुलर शेप्ड हेलिकल ग्रूव्स, हेलिकल ग्रूव्स मतलब इसको बोलते हैं देखो ग्रूव्स, ये ऐसा जो पार्ट होता है ना जो पूरा ब्लैंक होता है, ऐसे पूरे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, हम ग्रूव्स बोलते हैं, ये पूरा पार्ट क्या होता है, ग्रूव होता है। दिस शेप इज नॉट फुल्ली सेमी सर्कुलर बट एज सम गोथिक आर्च फॉर फ्री रोटेशन ऑफ द स्पेरिकल बॉल टू इलिमिनेट द बैकलैश। और ये कैसे होता है, मतलब एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर नहीं होता है, अगर आपने ये शेप देखा है तो कोई भी नहीं बोलेगा कि ये एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर है, एज अ गोथिक आर्च, गोथिक आर्च एक शेप का नाम है जिसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, देखो जिस तरीके से मैंने यहां पे निकाला है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज अ गोथिक आर्च फॉर फ्री रोटेशन ऑफ द स्पेरिकल वॉल। इसकी वजह से क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से अंदर जो भी स्पेरिकल बॉल है ना उसको फ्री रोटेशन हो सकता है, मतलब विदाउट उसका जो रोटेशन है ना वो रोटेशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, वो फ्री टू स्लाइड होगा, मतलब उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली हम स्पेस प्रोवाइड करेंगे, स्पेस प्रोवाइड करने के बाद ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये फ्री टू स्लाइड मतलब यहाँ पे उसकी जो स्लाइडिंग मोशन है वो स्लाइडिंग बहुत आसानी से हो सकती है, राइट। सो दैट इज द मेन बेनिफिट दैट वी हैव टू, वी डो नॉट, ये जो शेप है ना वो शेप फुल्ली सेमी सर्कुलर नहीं होता है, मतलब सेमी सर्कुलर नहीं होता है, बट इट इज सम ऑफ द गोथिक आर्च टाइप का होता है फॉर द फ्री रोटेशन ऑफ द स्पेरिकल बॉल। इसके अंदर जो स्पेरिकल बॉल है उसका रोटेशन फ्री तरीके से होना चाहिए टू इलिमिनेट द बैकलैश। ये जो बैकलैश का एरर है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बैकलैश का एरर के बारे में बताया था, तो वो बैकलैश एरर को अवॉइड करने के लिए, इस बैकलैश एरर को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड बॉक्स नट असेंबली का यूज करेंगे। सो ऐसा जो कंस्ट्रक्शन है
semicircular shaped helical grooves, and this shape is not fully semicircular but some gothic arch. So this type of the structure is called as a recirculating ball screw and box nut assembly. Okay, इसका बाकी का जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम भी बताऊंगा, तो आपको मोर आइडिया क्लियर हो जाएगा. ओके, थैंक यू.